मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव शुरू हुआ है, हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन सर। सर क्या इस बात का फोकस रहेगा सर माइनिंग कॉन्क्लेव में, और इससे क्या हासिल होगा प्रदेश को? जैसा आप सब लोग के जानकारी में है, माइनिंग कॉन्क्लेव जो है पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर दो साल में होता था, पर जब ये मेरे आने से पहले से तैयारी थी, इसकी सारी बात पहले से हो चुकी थी, तो फर्स्ट इंटरेक्शन में ही मुझे मुख्यमंत्री जी से और टीम से पता चला कि इस प्रकार का निर्णय लिया गया। और काफ़ी जो पिछले सालों में काम हुआ है उसका परिणाम ये है कि जो मध्य प्रदेश है उसने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स ऑक्शन किए। यदि आपको इतिहास ध्यान हो तो 2012-13-14 में जाके माइनिंग सेक्टर पूरे देश में एक तकलीफ से गुजर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंस्ट्रक्शंस निकाल मतलब अपना ऑर्डर दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा ऑक्शन के थ्रू होने चाहिए। फिर पूरी पॉलिसी ऑक्शन की बनी, और ऑक्शन में जो हुआ मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स ऑक्शन किया। आगे दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है माइनिंग में, एक्सप्लोरेशन। जब आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लोर से पता चलता है नीचे क्या मटेरियल, उसके हिसाब से आगे ऑक्शन करते हो। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश अभी भी यदि रेवेन्यू की दृष्टि से देखा जाए माइनिंग में तो देश में 5वें नंबर पर है, पर क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहे हैं, तो उस लिए ये एक बिल्कुल सही समय था जब हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्ट करें कि हमारे यहाँ माइनिंग प्रोडक्शन बढ़े और आप आके उसमें केवल हमारे यहाँ से खनिज निकाल के ना ले जाएं, खनिज के जो वैल्यू एडिशन है वो यहीं पर करें। हाँ चलो, ये थे अनुराग जैन जिनका कहना था कि माइनिंग कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश में तरक्की होगी, बेहतरी होगी। साथ में फोकस इसी बात का है कि माइनिंग के लिए एक्सप्लोर तो करें और यहाँ के रोजगार भी दें। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़।